अमरेली बाल भवन वर्गनी दिल्लीना संगीतकार मुकेश भाई गर्ग ए मुलाकात लीधी हती। अमरेली बाल भवन संगीत वर्ग खाते दिल्लीना संगीतकार डॉक्टर मुकेश भाई गर्ग ए मुलाकात ले मार्गदर्शन आप्युं हतुं। बाल भवनना डायरेक्टर निलेश भाई पाठक अने संगीत गुरु शांतिभाई जेठवाए स्वागत कर्युं हतुं अने संस्थानो परिचय आप्यो हतो। अत्रे उल्लेख ई छे के डॉक्टर मुकेश भाई गर्ग नवी दिल्लीनी युनिवर्सिटीना हिंदी विभागना प्राध्यापक छे अने संगीत संकल्प नामनी संस्था चलावे छे, तेथी अमरेली सहित देशभरमां 110 ब्रांचो छे। श्री डॉक्टर मुकेश भाई गर्ग अमरेली बाल भवनની મુલાકાત લઈ ભારે પ્રભાવિત થયા હતા। बस कान में सुर पड़ते हैं और उसी से सब कुछ आपको देखना पड़ता है।
अपनी कल्पना से। ऐसे में इस मुश्किल कला की तालीम कितनी मुश्किल होगी, अपने गुरुओं के प्रति हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए जो ऐसी मुश्किल कला की हमें शिक्षा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है जेकवा साहब यहाँ इस अमरेली में हैं और इस तरह से इतना माहौल बना के उन्होंने यहाँ पे रखा है कि आप सारे गामा समझ रहे हैं कि क्या होता है, वरना कौन जानता है सारे गामा क्या होता है, उसको समझना बहुत मुश्किल काम है। इतनी कम उम्र से ये सब बच्चे कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत ही रोमांच होता है मुझे देख देख कर। जब जब देखता हूँ कि ऐसी स्थिति है तो रोमांच होता है, क्योंकि संगीत की साधना करने वाले बहुत दुर्लभ लोग होते हैं, मुश्किल लोग होते हैं, आसानी से पाए नहीं जाते। आप सब उन दुर्लभ रेयर लोगों में से हैं, सारे बच्चे। डॉक्टर मुकेश गर्ग, दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ हिंदी डिपार्टमेंट में, और संगीत संकल्प जो संस्था है 1989 में उसकी स्थापना मैंने की थी और आज देश भर में उसकी 110 शाखाएं हैं जो शास्त्रीय संगीत की सेवा कर रही है। अमरेली में आना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। यहाँ आकर ही मुझे पता लगा कि एक छोटे से शहर में भी शास्त्रीय संगीत की इतनी बड़ी ज्योति जगी हुई है। बाल भवन में इन बच्चों को देखकर, गाते बजाते देखकर मुझे जिस तरह का रोमांच हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रीय संगीत और संगीत इस देश की ऐसी कला है जो इस देश के सम्मान को संसार भर में कायम किए हुए। सब जगह का शास्त्रीय संगीत यूरोपियन शास्त्रीय संगीत बन गया, लेकिन भारत का शास्त्रीय संगीत अभी भी भारत का शास्त्रीय संगीत है। मैं चाहता हूँ इस तरह के लोग बाल भवन में जैसे जेठवा साहब काम कर रहे हैं, उसी तरह ये सब बच्चे भी आगे बढ़कर शिक्षण का कार्य करेंगे और इस अद्भुत कला को लगातार ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं और शुभाशीष देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।